पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नया एक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 का एक्ट है ये। इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका एनफोर्समेंट हुआ था 1 मार्च 1882 में और इसमें 148 सेक्शंस हैं। इनिशियली इसमें इतने सेक्शंस नहीं थे, लेकिन इस एक्ट में काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, उसकी वजह से इसमें 148 सेक्शंस ऐड हुए। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी पता होना जरूरी है। सो नेगोशिएबल वर्ड का अगर हम लोग मीनिंग देखें, तो नेगोशिएबल वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल है। तो नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफरेबल। फिर है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा है, उसमें डेफिनेशन दी हुई है उस एक्ट में इंस्ट्रूमेंट की, कि इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच क्रिएट्स अ राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, जो कि एक राइट क्रिएट करता है किसी पर्सन के फेवर में। सो देयरफॉर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है which creates a right in favor of any person and which is transferable by delivery, जो कि right create करता है किसी person के favor में और वो transferable होता है by mere delivery, okay? Now, definition of NI, यानी कि definition of negotiable instrument, negotiable instrument की definition section 13 subsection 1 में दी हुई है। A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check. तो negotiable instrument act के हिसाब से यहाँ पर आप अगर देखो ध्यान से, तो definition में कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ तीन चीजें इसमें include करी है negotiable instrument में, कि भाई negotiable instrument में ये तीन चीजें include होती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? ये definition पता होना जरूरी है, promissory note, bill of exchange or check। तो किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। उस डेफिनेशन में बताया गया है, तीन चीजें बताई गई हैं जो कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे कह सकते हैं। सबसे पहली चीज हो गई प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देन चेक। अब कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल होते हैं, यानी कि ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, मतलब ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अच्छा, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, प्री में आ जाता है, मैं पीसीएसजे की बात कर रही हूँ, प्री में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑप्शंस दे करके कि इसमें से कौन सा नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अभी हम जो सारी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने शुरू किया है, ये हम लोग पीसीएसजे के हिसाब से ही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ Examples of non negotiable instrument, तो इसमें money orders, fixed deposit receipts, national saving certificates, certificate, postal orders, letters of credit and share certificates, ये सारी चीजें आती हैं non negotiable instrument में। मैं फिर से एक बार बता दूं, non negotiable instrument का मतलब ये है कि ये सारे जो instrument हैं, ये जो documents हैं, इन्हें आप transfer नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, या फिर फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला है रिटन, यानी कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमेशा रिटन होगा। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट कैन नेवर बी ओरल, वो हमेशा ही एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, कभी भी ओरल नहीं हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है फ्रीली ट्रांसफरेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली From one person to another by delivery, जो instrument की property है उसको freely transfer किया जा सकता है एक person से दूसरे person तक। In the case of bearer instrument, the property passes by mere delivery to the transferee. अगर bearer instrument का case है तो property सिर्फ delivery से transfer हो जाएगी। On the contrary, या फिर अगर उसके opposite है, in the case of an order instrument, अगर order instrument है तो endorsement करना पड़ेगा, endorsement and delivery are required for the transfer of property. तीसरा point है signature, it is complete and effective only when it is duly signed.
किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट पूरा कब माना जाएगा, जब वो ड्यूली साइंड हो, ठीक है, जब उसको ड्यूली साइंड किया गया हो, उस पर सिग्नेचर हो, जो जैसे मान लो अगर कोई इंसान चेक बना रहा है, जैसे आप अगर चेक बना रहे हैं, तो जब तक आप उस चेक पे साइन नहीं करोगे, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन नहीं करोगे, तो वो चेक किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस सिग्नेचर कैन बी ऑन एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एनी पार्ट का मतलब है आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, बैक पे भी हो सकता है। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जो होल्डर का टाइटल है वो सारे डिफेक्ट से फ्री होगा। अ पर्सन हु टेक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। देखो, जो पर्सन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बोनाफाइड ले रहा है, यानी कि गुड फेथ में ले रहा है, और किसी वैल्यू के लिए ले रहा है, यानी कि किसी कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कुछ कंसिडरेशन की वजह से उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, ही इज नोन एज द होल्डर। तो उसे हम लोग होल्डर कहेंगे। जैसे मान लो ए ने बी को कोई चेक दिया, ठीक है, तो बी जो है वो उससे चेक ले रहा है। मान लो ए जो है वो डिफेक्टिव उसको कोई चीज दे रहा है, मान लो डिफेक्टिव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, और बी ने क्या किया, बी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो क्या करता है, बोनाफाइड इंटेंशन से, गुड फेथ में वो ले लेता है वो चेक, ठीक है, और किस चीज के लिए, कोई कंसिडरेशन के लिए, भाई उन दोनों के बीच में कुछ सामान की अदला बदली हुई, इस वजह से उसने उसको कुछ सामान दिया, तो उसने उसको चेक दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ कंसिडरेशन के लिए वो होना चाहिए। सो ही इज नोन एज द होल्डर। उसे हम लोग होल्डर कहेंगे। होल्डर कौन है यहाँ पे, बी। इन ड्यू कोर्स गेट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। ही इज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर और एनी प्रायर पार्टी। अगर ऐसा होता है कि ए की वजह से कुछ भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, तो उसका असर जो उसने बी को ट्रांसफर किए है, जो होल्डर है, उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी इसमें। सारी गलती अगर कोई डिफेक्ट है तो वो ट्रांसफरर की ही होगी, ठीक है। राइट टू स्यू इन हिज ओन नेम। द होल्डर इन कोर्स हैज द राइट टू स्यू ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम फॉर रिकवरिंग द अमाउंट। जो होल्डर है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो खुद अपने नाम से केस कर सकता है दूसरी पार्टी पर, ठीक है, कोई अगर अमाउंट उसको रिकवर करना है, उसलिए इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स मैच्योरिटी। वो क्या है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कितने भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, जब तक उसकी मैच्योरिटी की डेट नहीं आई है। सिक्स्थ पॉइंट है अनकंडीशनल। इसका ये मतलब है सिंपल सा कि कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये हमेशा अनकंडीशनल होता है। देन पेबल टू ऑर्डर और बेरर, मे बी पेबल ईदर टू ऑर्डर और बेरर। देखो, बेरर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान, मान लो कोई चेक दिया गया है, ठीक है, किसी को, तो कोई भी इंसान उसको जाके एनकैश करा सकता है बैंक से। बेरर का मतलब ये होता है, जनरली होता है कि आपने चेक दिया किसी को और कोई भी जाकर के उसको एनकैश करा सकता है। लेकिन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये है कि उस किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखा हुआ है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और सिर्फ वो ही जा सकता है बैंक में उसको एनकैश कराने के लिए। तो अब ऑर्डर और बेरर का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूट फॉर मनी स्टेटस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विवेलेंट टू कैश। ये तो हम स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, मान लो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया मनी का, एक सब्स्टिट्यूशन है मनी का, कि भाई पैसा नहीं दे रहा हूं, मेरे पास इन हैंड कैश नहीं है, लेकिन आई एम गिविंग यू द चेक, ठीक है, तो आप इसको लगा करके पैसा आप ले सकते हो अपना। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है पैसे का, ठीक है, मनी का। Certain sum of money it is valid only when it is drawn for a certain sum of money. ये valid कब होगा, valid negotiable instrument तभी होगा जब वो किसी certain sum of money के लिए किया गया है। Payment in money must be payable only in money and that too in legal tender money of India. भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा पेएबल इन मनी ही होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए पेएबल होगा। लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जो इंडिया में करंटली जो करेंसी चल रही है उसके हिसाब से होना चाहिए।
No notice of transfer. The transferor need not to give notice to any person at the time of transferring the instrument. इसमें अगर कोई दूसरे इंसान को ट्रांसफर किया जा रहा है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है. चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं. मान लो जैसे ए ने बी को कोई चेक दिया, ठीक है. अब बी को वो चेक जो है वो आगे ट्रांसफर करना है, आगे किसी को देना है. तो अब बी जो है, मान लो ए ने बी को चेक दिया, अब बी को सी को वो चेक देना है, ठीक है. उसका पेमेंट आगे लगा हुआ है, उसको आगे उसको चेक देना है. अब बी जो है वो ए को नोटिस नहीं देगा कि वो आगे सी को ये चीज ट्रांसफर कर रहा है. ए के पास से एक बार चेक चला गया, उसके बाद वो बी की जिम्मेदारी है, वो चाहे जिसको दे. तो इसीलिए इसमें ट्रांसफर जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा ट्रांसफर का, इसका मतलब ये है. फिर लास्ट है हमारा 12th पॉइंट, प्रिजम्पशन. द कंसिडरेशन इज नॉट मेंशनड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब देखो ये तो आपने सबने हम सबने देखा होगा कि अगर मान लो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके में जिस कंसिडरेशन के लिए, जिस वैल्यू के लिए वो हो रहा है वो नहीं लिखा होता. जैसे मान लो कि आपने किसी से कुछ गुड्स खरीदे हैं, ठीक है. अब चेक अगर आप उसको दोगे तो आप उसमें ये तो लिख के दोगे नहीं कि ये इन गुड्स का पैसा है या ऐसा कुछ, ये सब नहीं लिख के दोगे, ठीक है. ये ऑलरेडी प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए, यानी कि मतलब कुछ ना कुछ लेन देन आपस में हुई होगी, किसी ने किसी को कुछ गुड्स डिलीवर किए होंगे, इस वजह से ये ट्रांसफर किया जा रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो ये ऑलरेडी प्रिज्यूम किया जाता है, इसलिए इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रिजम्पशन पे चलता है, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.